सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको जिस तरीके से रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद वो कह रहे हैं कि वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, क्योंकि उनकी मांग कभी भी मस्जिद के लिए ज़मीन लेने की नहीं थी। वो चाहते थे कि उनको जो है न्याय मिले, और न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से, लिहाजा वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। आप कैसे देखते हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख को? नहीं, उसमें तीन चार चेहरे ठीक नहीं हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड में। उसके कारण से देश का माहौल वो बिगाड़ना चाहते हैं, और ये पहले से भी बिगाड़ते रहे। हैदराबाद के अंदर दोनों भाई मिल करके माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ भाईचारे का रिश्ता ये बड़ा मुश्किल में स्थापित हुआ है, और इस समय राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद भी किसी ने एक पटाखा भी नहीं छुटाया। पटाखा न छुटाते तो झालर तो लगा सकते थे रोशनी की, वो भी नहीं लगाई कि माहौल ना बिगड़े। और जिस प्रकार का निर्णय आ गया, दोनों पक्षों को अपनाना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं माहौल बिगड़े तो हम बिगड़ने तो नहीं देंगे, लेकिन लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं कि दूसरे स्थानों पर जम जाएं, तो अब हम दूसरे स्थानों की मांग तो नहीं करेंगे। एक बार बैठक बैठक हम बुलाएंगे अपनी, जो हमारे पुराने सब नौजवान थे उनके बीच में राय मशविरा करेंगे क्या करना चाहिए, फिर इसके बाद कोई निर्णय करेंगे। लेकिन हम आज फिर अपील करते हैं, करना चाहते हैं कि ये लोग अब माहौल ना बिगाड़ें। अयोध्या का माहौल बहुत खुशनुमा है, पहले से भी अच्छा रहा है, आज भी बहुत अच्छा है, तो इस माहौल को वो बरकरार रखें। क्या लगता है कि 2010 में जब फैसला आया, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सर्वमान्य होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसको वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो फैसला वो हमारे हक में नहीं किया, ये हमारे साथ ज्यादती हुई, तो अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप उनके इस एटीट्यूड को कैसे देखते हैं, कि क्या क्यों वो क्या वजह लगती है? और वो कह रहे हैं अगर रिव्यू पटिशन भी खारिज हो जाती है तो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये उनका एक संवैधानिक अधिकार है जिसकी बात वो बार-बार कर रहे हैं। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर स्वतंत्र भारत में बहुत सारे मंदिर तोड़ डाले गए, कई हजार छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया, जिसकी एक दिन सूचना आ रही थी टीवी चैनल पर, और इस स्वतंत्र भारत के अंदर हुआ है। लेकिन अन्य देश के अंदर माहौल नहीं बिगड़ा, हमने बड़े बड़े मंदिर तोड़ते हुए देखे हैं, गिरे हैं, फिर भी माहौल को ख़राब नहीं किया। हमने तो कहा है कि भाई तीन स्थान ऐसे हमारे हैं जिनको हमने बार बार दोहराया है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, जो आराध्य देव के हमारे ये जन्म स्थान या कर्मभूमि का स्थान है, और इसीलिए ये मांग हमने की है। लेकिन आज की तारीख में ये लोग इससे ठीक होने वाले नहीं हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये ठीक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार अपील कर रहे हैं कि वातावरण को ख़राब मत करो। वैसे जैसे लोग जैसे बयान देते हैं, आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक, इस तरीके का अगर वो अब लोगों से कहते हैं कि हम भूलेंगे नहीं कभी, या हम अपने लोगों को भूलने नहीं देंगे, क्या इनका इलाज हो सकता है आपको लगता है वैसे जैसे लोगों का? नहीं, इनका तो ओबीसी का इलाज क्या है? हैदराबाद के बाहर निकल करके जरा देश का वातावरण देखें, वो कैसा रहता है, भाईचारे का रिश्ता रहता है। मुलायम सिंह जी ने इसी कारण से इनको यहाँ घुसने नहीं दिया था उत्तर प्रदेश में, अब वो फिर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसी चीज़ नहीं, वो जहाँ चाहे भ्रमण करें, लेकिन अगर वो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो हम उस इनके बिगड़े हुए माहौल को ठीक करना जानते हैं, फिर हम चुप नहीं बैठेंगे अन्य स्थानों के लिए। हम कह सकते हैं कि आप लोग अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहता है, तो जो दो और जगह बसती हैं काशी और मथुरा, उसके लिए भी आपको लगता है कि अब हिंदू संघर्षशील हो सकता है, या आप लोग होंगे? क्यों नहीं हो सकता है, वो तो हम लोग शांति रखे हुए हैं,
और कहा कि भाई अब बंद करो, वहाँ हमारे मंदिर बन गए हैं, अब बंद करो, रहने दो। अयोध्या में हमारा बना नहीं था, इसीलिए अयोध्या को सबसे पहले चुना था। लेकिन जब ये इसी प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे तो काशी के अंदर तो आज भी स्थिति दूसरी भग्नावशेष खड़ा हुआ है, वहाँ मुर्दा ले जा करके गाड़ दिया है। उसके पीछे में उसको ज्ञानव्यापी बोलते हैं, पीछे में वहाँ कथा होती थी, अभी तक कथा होती चलती आई थी, लेकिन पिछले दिनों प्रशासन ने वहाँ कथा बंद कर दी कि भाई संवेदनशील है, कहीं कुछ और जो न जाए, कुछ उत्पाती लोग गड़बड़ न कर दें, ऐसा सोचते हुए वहाँ पर कथा बंद हो गई। मथुरा के अंदर भी हमको क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है, जो भगना शेष खड़ा है केवल एक दरवाज़ा फोड़ देना है और इसके बाद वहाँ मंदिर तो हमारा बना ही है, उस स्थान को कब्जा कर लेना है। कुछ स्थानों को गिराना नहीं है, सब जगह बने बनाए हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये बाध्य करेंगे तो विचार करना पड़ेगा।